अपनी बात कहना अधीर रंजन चौधरी जी। सर आपको विराजमान होते हुए हमें बड़े प्रसन्न होते हैं। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहते हैं कि कल ही ये मुद्दा सदन में आने वाले थे, हम तैयार होकर बैठे भी थे, यहां लिस्टेड भी हुई थी सर, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कल मैं आसन पे नहीं था इसलिए नहीं आया। सर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद, और दूसरी देखा कि हमारे गृहमंत्री नदारद रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर होम वो भी नदारद रही, तो बाद में पता चल कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरह फेंक के चले गए। सर आज जब सदन में आए, विषय पे बोले सर, विषय में, सर विषय में, जब विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है, मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह के मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अचरज लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले जी, कुछ ही समय बाद ये पता चले पंडित जी नहीं, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर इधर उधर की बात ना कर, बता कफीला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। एक दिन मैंने सर एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा ये दिल्ली क्या है। जब जवाब में ये बताए गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है, तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आपने खुद अपने वक्तव्य में ये पेश किए कि 1911 में ये कलकत्ता से राजधानी उठ के दिल्ली आए, बिल्कुल सही बताया आपने। ये 1990 में बालाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन आई, 69th अमेंडमेंट 1991 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट व्हिच इंसर्टेड आर्टिकल्स 239AA एंड 239BB इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइडेड फॉर ए लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। इन शॉर्ट द 69th अमेंडमेंट एक्ट रफली रिस्टोर्ड द काइंड ऑफ गवर्नेंस सिस्टम दैट वॉज ऑफर्ड टू दिल्ली इन 1952, ए यूनियन टेरिटरी विथ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर विथ लिमिटेड मैंडेट। ये यूनियन टेरिटरी बने 1956 में। देखिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो भी कहे, शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे
तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको ये लगे कि यहां घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजे हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपने जेब में, तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहते हैं। दूसरी सवाल ये है कि देखिए ये अध्यादेश की घोषणा लोकतांत्रिक और न्यायिक विचार विमर्श का दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2023 संविधान पीठ के फैसले के महज 6 दिन बाद ही 17 मई 2023 के अध्यादेश को मंजूरी देने वाले कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि अध्यादेश को 19 मई को ही कानूनी रूप दिया गया और उसी शाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हुई इस अध्यादेश को जनता के लिए लागू कर दिया गया। ये सही है, ये गलत है? बताओ, इतना जल्दबाजी क्यों आपको लगे कि अध्यादेश के तहत ये बिल लाना जरूरी समझा आपको? क्यों ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते। ये जरूरी क्या थी? ये इमरजेंसी क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या थी उस समय? आपको सदन में यह बताना पड़ेगा। देखिए 1991 में द पार्लियामेंट ऑल्सो पास द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट टू सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट कन्फर्ड ऑन द असेंबली द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एज वेल एज द कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। फर्दर इन 2018 द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज डेल्ट विद द इश्यू ऑफ द पावर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स विद द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल कैपिटल। इन द रूलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेल्ड दैट ऑल्दो दिल्ली कुड नॉट बी अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ ए स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म वुड स्टिल अप्लाई टू इट। ये संघीय ढांचा के लिए हमें चिंता जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर संघीय ढांचा ना बचेगा तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगी। इस कगर में हिंदुस्तान ना जाए, इसलिए हमें चिंता करना जरूरी है। द 2018 रूलिंग सेड दैट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 239AA इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट एनविसेज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर दिल्ली व्हाइल सीकिंग टू प्रोवाइड ए डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली विथ लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर मैटर्स विद इन द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट बारिंग दोज एग्जेम्प्टेड। कल हमारा सदन में जब परसों ये चर्चा होते समय हमें जब विरोध करना जरूरी महसूस किया तो हमारे कोई नेता, ज्ञानी नेता यहां उठ के कह रहे थे कि हमारे एरुडाइट हम लोग नहीं है, ये कानून नहीं समझते। मानते हैं उन जैसा फ्लैम्बोयंट लीगल लुमिनरी मैं कम से कम नहीं हूं, ये बिल्कुल मानता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो भी हमारे पास है। वो ये था कि ये आपने माना कि वर्डिक्ट इटसेल्फ हैड नोटेड दैट सिंस देयर इज नो सेंट्रल लेजिस्लेशन गवर्निंग द सर्विसेज एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन दिल्ली द पावर वुड लाई विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये आपका तर्क है। आपका दूसरी तर्क ये है द सेंटर हैज रिमूव्ड द बेसिस एंड रीजन ऑन व्हिच द जजमेंट वाज गिवन। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 239AA एंटी 41 इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ सर्विसेज सीम टू बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर नेशनल कैपिटल। ये आपका तर्क यही है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहते हैं बिल्कुल आपका तर्क सही है, लेकिन यह भी सही है कि रिव्यू पिटीशन फाइल बाय द सेंटर इन द सुप्रीम कोर्ट क्लेम दैट दिल्ली इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड स्टेट बट ओनली ए यूनियन टेरिटरी व्हिच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन। आपको सुविधा ये मैं बता रहा हूं। द पार्लियामेंट इज दिल्ली टू लेजिस्लेशन, ये भी आपने कहते टू लेजिस्लेशन, ये भी आपने कहते द सेंटर हैज आर्गूड। हाउएवर
द मे 11 जजमेंट एड्रेसेस द कंटेंशन बाय एक्नॉलेजिंग दैट दो दिल्ली इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड स्टेट इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरेस्टेड विद द पावर टू लेजिस्लेट अपॉन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एंड कंटेंट लिस्ट। आपके यहां बहुत बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, हमारा रविशंकर प्रसाद जी वो भी है, आप खुद आप देख लीजिए द यूनानिमस जजमेंट। मैं एक बड़े मेन स्ट्रीम पेपर से मैं ये उद्धृत करते हैं, द यूनानिमस जजमेंट हेल्ड दैट दो दिल्ली इज नॉट ए स्टेट अंडर द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कॉन्फर्ड विथ पावर टू लेजिस्लेट अपॉन सब्जेक्ट टू गिव एफेक्ट टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ एनसीटीडी। It has a democratically elected government which is accountable to the people of the NCTD under the constitutional scheme envisaged in Article 239(AA) Clause 3. NCTD was given legislative power which, though limited in many aspects, is similar to states. In the sense, with the addition of Article 239(AA), the constitution created an asymmetric federal model with the Union of India at the center and the NCTD at the regional level. Said, हमें यह कहना है जब चुनकर नुमाइंदे आते हैं, चुनकर जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, तो क्या उनका लेजिस्लेट करने के अधिकार नहीं दिया जाएगा, सब छीन लिया जाएगा? बचपन से सुन के आते हैं कि चोर कतवाल को डांटे, यहां तो लगते हैं कि चोर सिर्फ कतवाल का नहीं कलेक्टर को हुक्म कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि यहां सारे जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म करते हुए ये ब्यूरोक्रेट्स पे सारे जिम्मेवारी सारे अधिकार ब्यूरोक्रेट्स पे सौंपा जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स फैसला करेगा सरकार कैसे चलेगी, ये क्या सही होगा देश के लिए। हमें सर जहां आपको गलत लगे छांट दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा कहावत की तरह, ये कहावत है, मैं अपनी बात नहीं। द कोर्ट हैड हेल्ड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट वाज कोएक्सटेंसिव विथ इट्स लेजिस्लेटिव पावर दैट इज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट कवर्स ऑल द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर पुलिस लैंड फॉर व्हिच द लेजिस्लेटिव आर्म कैन मेक लॉज। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट उससे भी शक्तिशाली है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, आप तो अधिकार है। लेकिन इसमें और एक बात है, ये मैं नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्टर पीडीटी आचार्य साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वो कह रहे, क्या जानते हैं, व्हेन वी एनालाइज द की प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 239(AA) एज वेल एज जीएनसीटीडी एक्ट 1991 it will be found to not be in conformity with the constitution. Article 239(AA)(7) empowers parliament to make a law to supplement the provisions contained in that article, mante hai, lekin iske sath kya hote hai, to supplement the provision does not mean making contrary provision. Parliament has not given any power in this article to make a law conferring all powers on the lieutenant governor with respect to the administration of the territory of Delhi. Hamara apatti ye hai, ye kanuni apatti hai sir, ye hum koi mangalant apatti nahi karte koi alliance ke chalte ya koi dusri wajah se, ye hamara federal structure isme bada sangin halat mein guzar sakte, isliye hum pehle hi chetavani dena chahte hain. Aap yahan kehte hain ki hum ye kya banayenge, ek naya ek dhancha banayenge NCCA, क्या होगा उसमें, उसमें जो चीफ मिनिस्टर रहेगी उनकी बात नहीं चलेगा, जो सेक्रेटरी वो फैसला करेगी, और सेक्रेटरी अगर चाहे तो चीफ मिनिस्टर की कोई सिद्धांत पे वो भेटो भी दे सकते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी ये क्या करते हैं, चीफ सेक्रेटरी वुड रिप्रेजेंट द विल ऑफ द ऑफिसर ऑफ द GNCTD गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैड एनविसेज ए न्यूट्रल सिविल सर्विस कैरिंग आउट द डे टू डे डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द NCCA अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग सिविल सर्विस ऑफिसर आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द इलेक्टेड मिनिस्टर।
मिनिस्टर्स हु एम्बॉडी द विल ऑफ द पीपल एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू पावर लॉबी। हमारा यही कहना है कि सारे क्षमता अगर ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ देंगे आप, तो हमें चुनकर यहां आने की क्या जरूरत है। ये ट्रिपल कमांड, हमारे जो ट्रिपल कमांड जो चलते हैं, एक बार जनता में चुनते हैं, चुनने के बाद यहां आते हैं, यहां हम लोग आम लोगों के लिए हमारी जिम्मेवारी दिखाते हैं, अकाउंटेबिलिटी आम लोगों के समीप हमें रखना पड़ते। ये जो ट्रिपल चेन जो कमांड है, ये ट्रिपल चेन कमांड हमारी देश की बुनियादी ढांचे के लिए एक अहम हिस्सा होते हैं। अब इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे आपके विरोध या खड़ा होने पड़ते। सर हो गया सर। सर और एक बात है सर, ये सर देखिए, ये और एक बात है, देयर इज येट अनदर प्रोविजन, ये 45J+4 व्हिच इंट्रोड्यूसेस ए न्यू प्रोसीजर फॉर समोनिंग एंड प्रोलोगिंग ए सेशन ऑफ द असेंबली। अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम द डिसीजन टू कन्वेन ए सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टेकन बाय द कैबिनेट। यहां भी ऐसा होते हैं, आप फैसला करते हैं कब सदन चलेगा या नहीं। देयर आफ्टर इट इज कन्वेट टू द गवर्नर। आप क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को भेजते हैं, यहां गवर्नर को भेजा जाते थे पहले, हु साइन द समन। दिस इज द प्रैक्टिस फॉलोड इन ऑल कंट्रीज वेयर द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट, बट ए स्ट्रेंज एंड इनस्क्रूटेबल प्रोसीजियर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑर्डिनेंस। अंडर दिस न्यू प्रोसीजियर द प्रोपोजल फॉर कन्वेनिंग द असेंबली शैल बी सबमिटेड टू द चीफ सेक्रेटरी, टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर फॉर देयर ओपिनियन बिफोर इशूइंग दिस समन। आपने कभी ऐसा मानेंगे यहां, अगर हम नहीं तय करेंगे या हमारे नौकर साहब ने तय करेंगे, ये हम मानेंगे? अब बताइए, दिल्ली में बहुत सारे सेवा ये सूबे की सरकार देते थे, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हर सूबे की सरकार की अपने अपने क्षेत्र में कोई सेवा देना जरूरी होते हैं। जैसे कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले 50 से अधिक संस्थाएं इसे व्यापक प्रावधान से प्रभावित होंगे इस ऑर्डिनेंस के चलते। इनका नियंत्रण दिल्ली के लोगों से लेकर केंद्र के पास चले जाएगा। ये संस्थाएं दिल्ली के यातायात, परिवहन, जल और बिजली आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्र में काम करती है, जिसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली वुमेन कमीशन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड सहित कोई महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल है। इन सभी संस्थाओं के विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मतदाताओं के जरूरत के पूरा करने के लिए गठित किया गया है, और यह दिल्ली का जनता की रोजमर्रा की जीवन की प्रभावित करती है। इस संस्थाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है। सिविल सर्विस के बाद ये संस्थाएं दिल्ली में प्रशासनिक कार्य करते हैं और प्रशासन का केंद्र है। इस प्रावधान के तहत सबसे बड़ी मनमानी ये की गई है कि इन सभी संस्थाओं के लिए बजट दिल्ली विधानसभा और दिल्ली से पारित किया जाएगा, मगर इनमें नियुक्तियां केंद्रीय राजनीतिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो ये मनमानी तरीके से इस तरीके की बिल मत लाया करो, एक ब्यूरोक्रेट पे सारे जिम्मेवारी मत छोड़ो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। ये चेक्स एंड बैलेंस को मत तोड़ो, अगर चेक्स एंड बैलेंस टूट जाएगा तो हिंदुस्तान नामक जो देश है इसके लिए बड़ा खतरा पैदा होगी। इसलिए कहते हैं आप भगवान आपको ज्यादा ज्ञान दे, आपको ज्यादा बुद्धि दे, और ये आप प्रत्याहार करें। सर मैं मेरे मित्र माननीय अधीर रंजन जी से इतना पूछना चाहता हूँ कि इनके पंजाब के माननीय सदस्य बिट्टू जी बैठे हैं, मनीष जी बैठे हैं, अमर सिंह जी बैठे हैं, इनके दिल्ली के नेता संदीप दीक्षित जी रोज बयान पे बयान दे रहे हैं, तो इनका क्या मत है इसके विषय में? हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। इधर उधर की बात मत कर, बता कफीला कैसे लूटा। रमेश जी, तो तब होगी जब दरार ना हो, यहाँ तो दरार आज ही है। रमेश जी। जी सर, अध्यक्ष जी,